और देश में पाकिस्तान की हरकतों को लेकर गुस्सा है, लेकिन पाक है कि मानता नहीं। वो एलओसी पर गोलीबारी कर रहा है, आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश है। ऐसे वक्त में देश के एक बड़े नेता पाकिस्तान पर प्यार उड़ेल रहे हैं। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान का नफरत से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। वोट के लिए पाक से प्यार करेंगे पवार, वोट के लिए देश के खिलाफ बोलेंगे पवार, वोट के लिए देश विरोधी गैंग में शामिल हो जाएंगे पवार, वोट के लिए आखिर कितना गिरेंगे पवार। कई बातें लाहौर में देखा, कराची में देखा, इस्लामाबाद में देखा, तो याद है कि हम अगर निकल 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 हो गए थे लैंड हो गई उसी दिन छुट्टी था, छुट्टी का दिन था। उन्होंने कुछ अपनी टीम के कुछ लोगों ने कहा कि आप जरा हमें शहर देखने के लिए जाना है, आपके लिए पूरे देश जाने के बाद एक रेस्टर कहा बैठा मैंने लड़का भी कर दिया देखने देखने के लिए तो वो रेस्टर पर रेस्टर आइए अब तो हमारे मेहमान से पैसे कैसे मिलते हैं, हम कैसे कैसे। आखिर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को हुआ क्या है? क्यों उनके सुर बदल गए हैं? क्यों वो भारत के खिलाफ बोलने लगे हैं? अचानक से पवार को क्यों पाकिस्तान से प्यार हो गया है? शरद पवार ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि उनके देश विरोधी बयान से एंटी इंडिया गैंग को एक नया सदस्य मिल गया है। ये मगर हम ये देखते हैं आपके लिए कोई भी परिस्थिति पैदा हो तो पाकिस्तान तो पाकिस्तान यानी मुस्लिम मुस्लिम यानी इंडिया लेकिन इंडियन मुस्लिम एक बेहतर जन पैदा करने के लिए कोशिश। शरद पवार की जुबान से पाकिस्तान की तारीफ मुंबई में निकली, जब मुंबई के एनसीपी भवन में अल्पसंख्यकों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। शरद पवार ने अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए भी पाकिस्तान की तारीफ की होगी, कयास यही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके बयान से जो इशारा मिला उसके मुताबिक देश की एक खास पार्टी है जो अपने सियासी फायदे के लिए पाकिस्तान के खिलाफ गलत संदेश फैला रही है। शरद पवार का इशारा बीजेपी की तरफ था, यानी शरद पवार को लगता है कि देश में सियासी फायदे के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जानबूझकर जहर उगला जा रहा है। लेकिन पवार ये भूल गए कि इस तरह की बयानबाजी से पाकिस्तान फायदा उठा सकता है, जैसा उसने पहले भी किया है। वो भारत के नेताओं के बयानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाकर अपने पक्ष में माहौल बनाता है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी और महबूबा मुफ्ती के बयान यूएन में दिखाए थे, यानी अब की बार शरद पवार के बयान को लेकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है। जो वादे इस रियासत के साथ हुए हैं, जो वादे इस रियासत के लोगों के साथ हुए हैं, उन वादों को बराबर रखना है। ये कोई टाइम बाउंड वादे तो नहीं थे ना, हमसे ये तो नहीं कहा गया था आप इलहाक करो और 70 साल के बाद जो है जिन शर्तों पे इलाक हुआ उनको हम तब्दील करेंगे। एक तरफ देश कश्मीर मामले में पाकिस्तान के मंसूबों को रोकने में जुटा है, दूसरी तरफ देश के कुछ नेता पाकिस्तान की तारीफ में जुटे हैं। अब इसे क्या कहा जाए, क्योंकि शरद पवार के बयान के बाद वो एंटी नेशन गैंग में जा पहुंचे हैं, जिसमें पहले से ही शहला रशीद, महबूबा मुफ्ती, उमर खालिद और अलगाववादी नेता सिक्का जमाए हुए हैं। ऐसे में पवार को देश विरोधी गैंग में कोई बड़ा नाम मिले या न मिले, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में अल्पसंख्यकों के वोटों को बटोरने में उनका दांव कहीं भारी न पड़ जाए।
बयानों की बाजीगरी में सियासी नफा नुकसान देखने की एक कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है ये सब। बच्चों से ब्रेक का जल्द हाजिर होते हैं।